चैनल पर पीआर ब्लॉग्स पे मैं आज दिखाऊंगा आपको अपना बगीचा। आइए देखते हैं। ये है मेरा पूरा बगीचा जिसको मैं नज़दीक से दिखाऊंगा। आते जाइए। और ये है मेरा बाइक। मैं इसी बाइक से आया हूँ आज अपने बगीचा को देखने के लिए। बहुत दिनों बाद आया हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली गांव में रहता नहीं हूँ, बाहर रहता हूँ। कभी कभार आता हूँ गांव, तो सोचे आज चलते हैं कि घूमते हैं अपने बगीचा की ओर। चलते हैं बगीचा, आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। यहाँ जो है, यहाँ नीचे एक नदी गया हुआ जिसे कमला नदी कहते हैं। और ये जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब इसको शमशान एरिया कहा जाता है, जहाँ पे कि मतलब जो भी गरीब व्यक्ति हैं उनके अगर कोई घर में डेथ कर गया तो उसको यहाँ पे जलाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बगल में ही मेरा इधर बगीचा पड़ता है जिसको मैं आज दिखाऊंगा आपको। आते हैं तो आपका स्वागत है मेरे फुलवाड़ी में, मेरे बगीचा में। आप सब देख सकते हैं ये सारा जो पेड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा, ये सारा मेरा ही है। पूर्वजों से यहाँ पे ये फुलवाड़ी है, मतलब बगीचा है, बहुत दिनों से लगा हुआ है, मेरे दादा परदादा के ज़माने से ही। उसके बाद फिर मेरे पिताजी, फिर मैं। अब ये नज़दीक से दिखाते हैं आपको यहाँ के नदी। अभी तो पानी बहुत कम है क्योंकि इस बार बरसात बहुत कम हुआ था इसके कारण, नहीं तो ये पानी इस समय, अभी जो मैं बना रहा हूँ अक्टूबर के आसपास ये वीडियो, पानी लगभग इस ज़मीन पे यहाँ ऊपर चढ़ जाता है। पानी जो है अभी वो वहाँ नीचे है, लेकिन जब इस महीना में अगर बारिश होता है तो ये पानी इसके बराबर हो जाता है, पूरे भर जाता है, पानी से लबालब हो जाता है। और मैं आगे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे एक गोल घर है जो कि मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ। आइए देखते हैं गोल घर। आप सोच रहे होंगे मेरे पास ये कच्चा छड़ी क्यों है, ये इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये गाछी के अंदर पैसने से कीड़ा मकोड़ा जो है जाला लगाया हुआ है, तो इसको मैं इससे साफ़ करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसलिए ये मेरे पास छड़ी है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखा, ये यहाँ नजदीक से, ये मेरा गोल घर है, ये मेरा गोल घर है। ये मेरे बाबा के ज़माने, मेरे दादाजी के ज़माने में ये यहाँ पे सरकारी पंप सेट हुआ करता था इसमें। और यहाँ ये नदी से पानी खींच करके पूरे, मतलब इस आसपास के जितने भी खेत किसान हैं अपने खेत में पानी पटवन किया करता था इसी गोलघर का। ये करीब करीब मुझे लगता है 50-60 वर्षों से ये पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। इसमें से लोग लोहा वोहा जो था या मशीन जो भी था चुरा चुरा कर ले गए, पता नहीं कहाँ गया, मुझे पता नहीं, मेरे बचपन से पहले की कहानी है इसका। और इसमें से अभी जो बचा हुआ भाग है, इसमें से भी लोग ईटा छुरा छुरा के, इस ईटा जो होता है, ईट जो होती है, उसको ले लेके लोग अपने घर जाया जा रहा, भाग रहा। और फिर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ नीचे, ये सब पूरा, ये पूरा एरिया सब पूरा मेरा है, अपना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी एक ईंट मौजूद था, यहाँ पे एक ईंट मौजूद था, उसको भी तोड़ के लोग ले गए हैं। और इतना ही, और फिर मैं आपको दूसरे फुलवाड़ी ले चलता हूँ, जहाँ वो फुलवाड़ी जो है आम के गाछी से फेमस है, जहाँ मैं आपको ले चलूँगा। आप यहीं पे वीडियो को रोका गया। मैं अब जा रहा हूँ वापस, आपको जो प्रॉमिस किया कि आम का गाछी दिखाऊँगा, दिखाता हूँ। मैं इस अपने बाइक से जा रहा हूँ। ये जो देख रहे हैं ड्राइवर को, ये ड्राइवर मेरा भाई है छोटा, इसका नाम अबराम सिंह है, बाइक चलाने आता अच्छी तरह से। दिखाते हैं ये किस तरह बाइक चलाते हैं, थोड़ा सा बाइक चलाइए तो अबराम सर, देखिए मेरा छोटा वाला भाई बाइक अच्छी तरह चला लेता। मैं आपको दिखाता हूँ, ले चलता हूँ। वो जो सामने में दिख रहा है वहाँ पर है आम गाछी, मैं वहाँ चलता हूँ। और मैं जा रहा हूँ आम गाछी। आप देख रहे हैं मौसम किस हिसाब का, पूरे मस्त मिजाज है, लगता है ऐसा कि बहुत ज़ोर बारिश होने वाला है। मुझे इंतज़ार भी है इस वर्षा का, क्योंकि मैंने अपने खेत में आज धान लगाया हुआ हूँ, वो धान जो है पानी के कारण बीमार पड़ गया है,
समझिए कि तकलीफ़ हो रहा है उसे आगे बढ़ने में, उसकी वृद्धि होने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप धरती पे आए, हमारे धरती को आनंदमय करें। अब यहाँ से पक्की रोड स्टार्ट हो रहा है, पक्की रोड, समझ ही रहे होंगे कौन सा रोड होता है पक्की। ये आपको दिखाता हूँ, ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बना हुआ है, जो आप देख रहे हैं ऊपर आसमान को भी देख रहे हैं आप लोग। ये देखिए, अब मैं चलता हूँ अपने आम गाछ, पहुँच गया हूँ इधर लेफ्ट द, ये सॉरी लेफ्ट नहीं राइट साइड दया टर्न ले रहा हूँ, यहाँ से नीचे चलता हूँ आम गाछ। ये जो सामने दिख रहा है वो आपको, ये आम का गाछी है, मैं इसको दिखाता हूँ और नज़दीक से। देखिए एक से एक पेड़ है यहाँ पे, ये सारा मेरा नहीं है, इसमें मेरा गाछी यही है, कितना ही ये जो एरिया दिखाई पड़ रहा है ये मेरा गाछी है और ये मेरे अंकल का है और इसमें मेरे पूरे सारे दियाद का है, मतलब पड़ोसी का है, चचा बड़े पापा बड़े बाबा का बेटा, इस टाइप से ये पूरे एरिया हम सभी दियाद का है। इसमें पेड़ आपको मैं दिखाता हूँ एक बार क्या क्या मेरा दियाद ने, मैं यहाँ पे आम लगाया था आज से तीन चार साल पहले आम का पेड़ लगाया था समस्तीपुर से खरीद के, जो कि 600 या कुछ 700 रुपए के दिया था, उसको मैं यहाँ पे लगाया था 5 पेड़, वो 5 पेड़ मतलब कि उसको काट दिया जड़ से, ऐसे ही मतलब कि रंगबाजी करने के उद्देश्य से, दबंगई दिखाने के उद्देश्य से, और घर पे आके जब उसको बोला गया तो वो मेरे फैमिली के साथ, मेरे फैमिली मेरी माँ और मेरे भाई के साथ लड़ाई झगड़ा भी किया कि मैंने काटा तुमको, क्या करना है तुमको, जो करना है कर लो देख लेंगे। तो फिर उसको मैंने शॉर्ट आउट किया, वो मैटर ख़त्म हो गया। आइए दिखाते हैं यहाँ पर, ये देखिए यही था आम का पेड़ जो काट दिया है, अब ये इसमें चोटी लग गया है, अब ये बड़ा भी नहीं होगा, क्या बताऊँ दोस्त, मैं बहुत परेशान हूँ अपने पड़ोसी से। फिर मैंने एक पेड़ लगाया है आम का, ये बड़ा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको दिखाइए नज़दीक से, ये बड़ा हो रहा है। मैं और भी दिखाता हूँ, यहाँ पे भी आम का पेड़ है जो कि बड़ा हो रहा है, यहाँ पे भी एक पेड़ यहाँ पे था, एक पेड़ यहाँ पे था, एक पेड़ वहाँ पे था, जिसको जड़ से ही काट दिया, उखाड़ के ले गया, क्या बताएं, मैं बहुत इन लोगों से बहुत परेशान हूँ। और ये जो एरिया देख रहे हैं, ये एरिया इधर से लोग, ये जो खेत वाले हैं इधर से ट्रैक्टर लेके आते हैं और इधर से लेके ट्रैक्टर अपना खेतों से जुटवाते हैं, जबकि मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे मेरे दादा मेरे मामा का मतलब कि सब स्थल है, सीरा जिसको कहते हैं, मतलब मरने के बाद मेरे दादाजी और मामा जी को यहीं पे जलाया गया था, क्योंकि पहले के लोग सिमरिया या गंगा जी या फिर उस तरह से वहाँ नहीं जाया करते थे, इसलिए यहीं पे जलाया गया था। तो हमारे गांव के कुछ लोग हैं क्या इस पे ट्रैक्टर चढ़ा के अपने खेत को जुतवाने के लिए ले जाते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का प्रॉब्लम, आइए मेरे फुलवाड़ी का मतलब कि एरिया यहाँ से अगर हम इसको सीधा मिलाते हैं वहाँ से यहाँ आए, जबकि ये खेत वाले ने क्या किया है, इसको इस तरह से तिरछा कर दिया, मतलब इसको जोतते यहाँ पे एरिया खाली होने के कारण इसको तिरछा जोत करके ये पूरे एरिया को अपने में मिला लिया, जबकि ये यहाँ से इधर मेरा एरिया है। आइए नजदीक आइए, उसके बाद मैंने आम का जो पेड़ लगाया उसी के साथ महोगनी एक पेड़ होता है, महोगनी और सागवान, उसको भी मैं समस्तीपुर से खरीद के लाया था, उसको भी यहाँ पे लगाया था, लोगों ने क्या किया उसको जड़ से ही उखाड़ कर उसको फेंक दिया, मिल ही नहीं रहा, मैं यहाँ पे बहुत सारा ढूंढा बट मिल ही नहीं रहा, मुझे बहुत खोज रहा हूँ तो मुझे एक पेड़ यहाँ पर मिला है, ये जो है ये महोगनी का पेड़ है, बस एक ही बचा हुआ है, कभी कभी मैंने इसमें 10 पेड़ लगाया था महोगनी का, तो इसलिए
क्या बताऊँ, यहाँ के लोग मुझे जब भी मैं पेड़ लगाया यहाँ पे पेड़ को उखाड़ देता है, परेशान करता है एक तरह से, समझिए। और मैं आपको बता दूँ कि मैं ये हाफ पेंट में आ गया और टी शर्ट में इसलिए आ गया कि मतलब मेरा इधर ही डेरा पड़ता है, गांव जो है अलग है, तो वर्षा होने के कारण, वर्षा होने वाला ही है, तो इसलिए मैं क्या किया, हाफ पेंट और टी शर्ट में ही आ गया। पता नहीं चला, चलता हूँ वहाँ देखता हूँ कैसा है। मुझे थोड़ा सा पेड़ से बहुत ज़्यादा ही लगाव है। मैं पेड़ के पास अभी छुप गया हूँ, वाकई वर्षा स्टार्ट होने लग गया है। मैं अभी दोनों भाई मतलब खेत में हूँ, मतलब फुलवाड़ी में आया था, बट वर्षा इतना जोर से होने लगा कि मतलब भीगने के लिए, भीगने से बचने के लिए मैं पेड़ के नीचे आ गया हूँ। बट पेड़ के नीचे आना नहीं चाहिए, मैं क्या करूँ, ऑप्शन मेरे पास है नहीं और मेरे पास मोबाइल फ़ोन भी है, तो मैं कुछ देर यहीं पर छुपता हूँ, देखता हूँ अगर वर्षा कम हो जाएगा फिर जाऊँगा वापस घर को। देखिए मेरा बाइक वहाँ पर लगा हुआ है, और इधर दिखाइए यहाँ वर्षा हो रहा है, यहाँ पर वर्षा हो रहा है, ठीक है। ये देखिए बादल बहुत एकदम गजब बादल लगाया हुआ, वर्षा एकदम बहुत ज़ोर से होने वाला है। मुझे लगता है कि मैं भींग जाऊंगा, मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से। साथ ही दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे चैनल PR ब्लॉग्स को, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी जरूर करें, अपने दोस्तों से बताएं और मेरे वीडियो को बहुत सारे शेयर करें। भगवान से प्रार्थना किया और वर्षा इंद्र भगवान नीचे धरती पे उतर गए और मुझे भीगा भी दिया। मैं भगवान को थैंक यू कहूँगा कि मेरे बातों को इतना जल्दी सुन लिया और मेरे खेत में पानी गिर रहा है, यहाँ के सारे किसान के खेतों में पानी पड़ रहा, सभी किसान खुश होंगे, मुझे तो लगता है सभी किसान खुश हो गए कि बहुत दिन बाद बारिश हो रहा है। धान के खेत पूरे तरह से सूखा हुआ था और उसमें पानी पड़ रहा है, और धान जो है थोड़ा सा मतलब कि अब उसको कहते हैं धान पकना, मतलब धान अब काटने की कगार पर है, तो इसमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत था। भगवान ने हमारी, देख रहे हैं आप वहाँ, भगवान ने हमारी बातों को और हमारे आसपास गाँव के किसानों की बातों को सुन लिया, धन्यवाद भगवान, मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ। मैं अपना धान का खेत आपको दिखाता हूँ, इधर सामने खिड़की से, ये छोटा सा एक खिड़की है, इससे दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, जूम करके दिखाइए दूर से ही। ये मेरा जो दिख रहा है, ये आपका धान का खेत है जिसमें पानी पड़ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, हमारे आसपास के किसान भी बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। मैं इसे क्लोज करता हूँ, धन्यवाद।